देखो, इसका जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़े थे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, जैसे अभी तक हमने ये सीखा है अगर ए एंड बी ये निकालना हो तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, पी ए इंटू पी बी ऐसा होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, ठीक है। और बाकी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो सीख ही ली है ना। तो अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाई बी की, तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोबेबिलिटी इवेंट ए का जैसे कि बी इवेंट हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पी ए, और बी इवेंट हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट क्लास पे, क्या पढ़ा था वो, मतलब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए जहां पे हमको ये पता है कि इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें से कौन सा इवेंट हो चुका है, तो बी इवेंट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है। और मान लो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए जहां पे इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की, और फिर जो इवेंट हो चुका है उसकी। तो ये हमने लास्ट टू लास्ट क्लास पे पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ये वाला पिछले क्लास पे पढ़ा था अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो इस तरीके से उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। एक एग्जांपल अगर लेना चाहे इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, तो मान लो एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 10 ब्लू कलर के बॉल्स हैं और 5 व्हाइट कलर के बॉल्स हैं। हमें टू बॉल्स पिक करना है, टू बॉल्स टू बी सेलेक्टेड या ड्रॉन, टू बॉल्स टू बी सिलेक्टेड विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब यह है कि जैसे दो बॉल्स हमने निकालने हैं, पहला बॉल निकालेंगे तो पहला बॉल ब्लू आया, व्हाइट आया, कुछ भी आया, उसको हम देख सकते हैं और उसको वापस रिप्लेस कर सकते हैं। और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या है कि एक बॉल बाहर निकाल लिए तो टोटल नंबर ऑफ बॉल में से एक कम हो गया, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं उसकी जगह पे, कुछ और दूसरा बॉल नहीं डाल रहे हैं। यही फर्क होता है रिप्लेसमेंट में और विदाउट रिप्लेसमेंट में। तो अगर दो बॉल्स पिक करना है, अब मैं बोलता हूं कि पहला बॉल ब्लू मिले और दूसरा बॉल व्हाइट मिले, क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। कहने का मतलब ब्लू एंड व्हाइट चाहिए हमको, ब्लू चाहिए पहले बॉल पे और व्हाइट चाहिए दूसरे बॉल पे, एंड दोनों चाहिए मुझे। तो इस पे सेट करो ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे बी इंटरसेक्शन डब्ल्यू, जहां पे बी क्या है, ब्लू बॉल बाहर आए और डब्ल्यू क्या है, व्हाइट बॉल बाहर आए। तो पहला बॉल हमने बाहर निकाला वो ब्लू आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसके बाद व्हाइट जो आएगा वो ब्लू पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ब्लू हम अगर निकाल लिए बाहर तो एक दूसरा बॉल अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्हाइट का, हालांकि बी वाला इवेंट हो चुका है, ब्लू बॉल बाहर आ चुका है, बट उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा व्हाइट बॉल के बाहर आने पर। तो इसी वजह से बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10/15, क्योंकि ब्लू बॉल कितने हैं, 10 है फेवरेबल, टोटल है 15, और व्हाइट बॉल के लिए क्या है, 5 है फेवरेबल और टोटल 15 है, क्योंकि एक बॉल निकाले हैं वापस उसको रिप्लेस कर दिए। तो ये पी ए इंटू पी बी है, ये हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, इस फॉर्मूले को लास्ट टाइम पे पढ़ा था, ओके। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ये थ्योरम हम लगाते हैं, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। एक से अधिक अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें तीनों की प्रोबेबिलिटी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। तो ये सब हमने लास्ट क्लास पे कर लिया था। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। तो 13.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इसमें काफी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, मतलब करने को कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर हमारे हाथों में आ जाएगा। देखो पहला जो क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कोई दूसरा इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ओके। तो ये हो गया 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, कितना हो जाएगा, 3/25। सीधा फॉर्मूले पे डाल दिया, आंसर रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर टू,
एक साथ लिख लेना, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, विदाउट रिप्लेसमेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिप्लेस नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो देखो क्या होगा, हमको मान लिया ई कार्ड निकालना है, कितने कार्ड्स निकालने हैं, दो कार्ड्स निकालने हैं, तो हमने इवेंट ई मान लिया और दोनों कार्ड्स कैसे होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए, बोथ द कार्ड शुड बी ब्लैक। तो ई इवेंट मान लिया, फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक, और एफ दूसरा इवेंट मान लिया, सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक। हमको ई और एफ दोनों चाहिए। कार्ड्स में क्या होता है, इन 52 कार्ड्स देयर आर 26 रेड एंड 26 ब्लैक कार्ड्स, जो पैक होता है 52 कार्ड्स का, उसमें 26 रेड होते हैं, 26 होते हैं ब्लैक। तो हमें क्या चाहिए, दोनों कार्ड्स ब्लैक चाहिए, दोनों कार्ड्स ब्लैक चाहिए, मतलब हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, पहला वाला भी ब्लैक हो, दूसरा वाला भी ब्लैक हो। तो देखो यहां पे दोनों कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब पहला जो निकल गया दूसरे को इंपैक्ट करेगा, वो दूसरे को अफेक्ट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, एक कार्ड निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कम हो जाएंगे। तो पहले क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ई की होगी, अब प्रोबेबिलिटी जो एफ की होगी वो कंडीशन के साथ होगी, कंडीशनल होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम एक कम हो गया। अब ई की प्रोबेबिलिटी तो निकालते हैं, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक कार्ड निकालना है जो ब्लैक हो, 26 ब्लैक टोटल थे 52 में से। फिर एफ की प्रोबेबिलिटी, तो अब कितने ब्लैक कार्ड बचे होंगे, 25 और एक कम हो जाएगा, वेरी गुड। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 26 से ये 2 टाइम्स कट गया, 25 अपॉन 102 इसका आंसर होगा। ओके, ये दो क्वेश्चंस हो गए, इनको कॉपी कर लो पहले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो एक बॉक्स में नंबर ऑफ ऑरेंज रखे हुए, उसमें से किसी 3 को रैंडमली इंस्पेक्ट करना है, रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, एक निकाल लिया तो उसको फिर वापस नहीं डाल सकते, या उसकी जगह पे कुछ और भी नहीं डाल सकते, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कम हो जाएंगे। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। 3 ऑरेंजेस निकालने हैं, तीनों अगर सही हुए, अच्छे हुए, तो ही वो बॉक्स अप्रूव होगा, बॉक्स में कुछ नंबर ऑफ ऑरेंजेस रखे हैं। Find the probability that a box containing 15 oranges, box containing 15 oranges, 15 oranges हैं उसके अंदर, out of which 12 are good, 12 अच्छे हैं and 3 जो है वो खराब हैं, will be approved for sale। तो approval चाहिए हमको, 15 में से 12 अच्छे हैं, 3 खराब हैं, क्या chances हैं, क्या probability है कि वो वाला box approve हो जाएगा। 3 oranges हमको select करने हैं, तो E 1 ले लेते हैं पहले इवेंट को, फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, पहला ऑरेंज अच्छा है, ये हमारा पहला इवेंट हो गया। E2 में हमने मान लिया दूसरा ऑरेंज अच्छा है, और E3 इवेंट मान लिया जो थर्ड ऑरेंज हम पिक करने वाले हैं वो अच्छा वाला है। अब हमको क्या चाहिए, E1 चाहिए एंड E2 चाहिए एंड E3 चाहिए, मतलब ये तीनों इवेंट्स कंप्लीट होने चाहिए तभी हमारा बॉक्स अप्रूव होगा। तो ये भी हमको अच्छा वाला चाहिए, ये भी अच्छा वाला, ये भी अच्छा वाला, तीनों ऑरेंजेस हमको अच्छे वाले चाहिए। तो मतलब ये E1 अच्छा हो, E2 भी अच्छा हो एंड E3 भी अच्छा हो, ये चाहिए हमको। अब इसने लिख दिया साफ साफ कि हम रिप्लेस नहीं कर सकते,
एक ऑरेंज निकाल लिया तो बॉक्स में 15 थे, अब 14 बचेंगे। तो कहने का मतलब पहला जो ऑरेंज निकाल लिया उसका इंपैक्ट दूसरे वाले पे पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कम होंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी E1 की, जो बिना किसी प्रॉब्लम के साथ निकलेगा। अब जब E2 की प्रोबेबिलिटी निकलेगी तो वो डिपेंड करेगी E1 पे, और जब E3 की प्रोबेबिलिटी निकलेगी तो वो डिपेंड करेगी E1 एंड E2 दोनों पे। क्या ये बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. तो अब देखो E1 की प्रोबेबिलिटी, E1 तो फ्रेश है, उसको कोई बाकी से कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहला अगर E1 निकल रहा है तो 15 में से 12 सही है, तो 12 अच्छे वाले हैं 15 में से। फिर E2 जब निकलेगा तो अब कितने बचे? 11 अच्छे बचे हैं, कितने में से? 14 में से। और जब E3 निकलेगा तो 10 बचे हैं अच्छे वाले, और उसमें से 13 में से। ये समझ में आया क्या क्या हुआ इसके अंदर? Yes, sir. Okay. अब देखो काटापेटी शुरू। 5 से 2, 5 से 3, 3 से 4, कुछ गलत हो तो देख लेना, मेरा थोड़ा वीक है कैलकुलेशन। ये 7 हो गया, तो ये बच रहा है 44/91। कैलकुलेशन मेरी फॉल्ट नहीं है, एक बार चेक करना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी हो। तो ये उसका आंसर आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। एक फेयर कॉइन है मतलब हेड्स और टेल्स दोनों उसके हैं, और दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। कहने का मतलब एक फेस पे हेड्स है, दूसरा पे टेल है। अनबायस्ड डाई मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही लिखे हैं, 1, 2, 2, 5, 6, ऐसे नहीं है। तो फेयर कॉइन है, अनबायस्ड डाई है। ए बी द इवेंट, इवेंट ए यहां पे डिफाइंड है क्या? हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। दूसरा इवेंट भी बता रहा है बी, वो क्या है? बी बी द इवेंट 3 on the die, ठीक है। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है चेक करके बताओ। तो इंडिपेंडेंट है कि नहीं ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी, ऐसा करना पड़ेगा। अगर ये लग जाता है तभी इंडिपेंडेंट बोलेंगे। पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं, क्या क्या होगा सैंपल स्पेस, है ना? तो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हेड होगा और साथ में डाई को भी थ्रो कर रहे हैं। तो हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6। टेल भी आ सकता है, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, T3, अच्छा T3, T4, T5 और T6। ये हमारे सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। ओके, अब ए की प्रोबेबिलिटी मतलब डाई को थ्रो करने पे, सॉरी कॉइन को टॉस करने पे हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? देखो हेड तो 6 बार आ रहा है, देख रहे हो ना, 6 हेड्स हैं, 6 टेल्स हैं। तो हेड कितनी बार, सिर्फ हेड कितनी बार आया होगा? 6 टाइम्स आया होगा 12 में से, तो ये 1/2। और बी क्या है? बी इवेंट मतलब 3 डाई पे आया हो। 3 कितनी बार आया है चेक करो, 3 एक बार हेड के साथ आया होगा, एक बार टेल के साथ आया होगा। 2/12 कितना हो गया? 1/6। तो पी ए पी बी निकल गया। अब ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना हो तो उसके लिए पहले हमको ए इंटरसेक्शन बी का सेट बनाना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी अगर इस इवेंट को डिफाइन किया जाए तो हेड ऑन द कॉइन एंड 3 on the die, ऐसा कितना इवेंट है? तो देखते हैं, हेड कॉइन पे और 3 डाई पे, एक ही है H3, यही है। तो अगर हम A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी निकालें तो H3 इस पूरे सैंपल स्पेस में एक ही जगह पे है और टोटल 12 है। अब चेक करते हैं फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं। तो P A इंटरसेक्शन B 1/12 आ गया। अब जरा PA into PB चेक करें, हम एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये निकल चुका है 1/12, इन दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं सेपरेटली, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1/12 आता है कि नहीं। तो पी ए इंटू पी बी निकालते हैं, पी ए है 1/2 और ये है 1/6, यहां से हमको वैल्यूज मिल जाती हैं। मल्टीप्लाई करके जब देखा तो ये 1/12 आ रहा है, जो कि इक्वल है किसके? ए इंटरसेक्शन बी के। सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
ओके, कॉपी करो। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6। देखो 5 एंड 6, फिफ्थ में क्या है? अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, 4 5 6 ग्रीन में है। तो 1 2 3 जो है वो रेड कलर से कलर हुआ है, 4 5 6 जो है वो ग्रीन कलर में कलर हुआ है। इज टॉस्ड, पता नहीं डाई को टॉस करते हैं लोग, कॉइन को थ्रो करेंगे, एनीवेज उसको थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, ए बी द इवेंट, ए क्या इवेंट है? द नंबर इज इवन, द नंबर इज इवन। और बी क्या इवेंट है? नंबर इज रेड, नंबर इज रेड। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं, वही काम करना है, सेम प्रोसीजर है इसका भी। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस बनाएंगे तो डाई को थ्रो किया जा रहा है एक ही बार, तो क्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 यही आउटकम्स होंगे। अब प्रोबेबिलिटी ए का, अच्छा ए इवेंट के लिए अगर हम उसके फेवरेबल आउटकम्स बनाएं तो इवन नंबर कहां कहां पे आएगा? 2 पे 4 पे और 6 पे। और बी का मतलब रेड नंबर कब कब आएगा? तो जब 4 आएगा तब रेड बोलेंगे, 4 आएगा तब रेड बोलेंगे, 5 आएगा तब रेड बोलेंगे और 6 आएगा तब रेड बोलेंगे, है ना? बी इवेंट क्या है? नंबर इज रेड। तो रेड के लिए कौन कौन से फेवरेबल होंगे? 1 2 3 फेवरेबल होगा, 4 5 6 पे तो ग्रीन बना है, तो 1 2 और 3 अगर आ गया तो हम बोलेंगे कि रेड आ गया। अब पी ए निकालें अगर, तो पी ए में कितने फेवरेबल हैं? 3 टोटल है, 6, तो पी ए हो गया 1/2। पी बी मतलब रेड होने के लिए क्या फेवरेबल आउटकम? तो 1 2 3 अपॉन 6, ये भी आ गया 1/2। अब जरा ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी का अगर इवेंट बनाएंगे तो क्या मतलब होगा उसका? ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए बी हो और बी बी हो, तो जो नंबर आए नंबर इज इवन हो एज वेल एज वो रेड भी हो, तो क्या क्या होगा फेवरेबल? इवन में क्या क्या होता है देखो, 2 4 6 और रेड में 1 2 3, तो सिर्फ एक नंबर मिलेगा जो दोनों में कॉमन है, ए और बी में सिर्फ एक ही कॉमन है, वो है 2। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और रेड भी है, देख लो यहाँ पे। तो अगर हम निकालें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, तो ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 ही है, टोटल 6 है, तो ये 1/6 आ गया। अब जरा चेक करते हैं पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी कितना हो गया? 1/2 इंटू 1/2, ये आ गया 1/4, विच इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में पीई गिवन है, पी एफ भी गिवन है, ई इंटरसेक्शन एफ भी गिवन है, आर ए एंड बी म्यूचुअली, आर ए ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, क्वेश्चन नंबर सिक्स कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कुछ भी नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना इसके इक्वल आता है कि नहीं, तो नहीं आ रहा है। 9/50 इज नॉट इक्वल टू 1/5, सो ये नहीं है, आंसर होगा नो। कॉपी कर लो फिफ्थ और सिक्स्थ, सिक्स वाला होमवर्क है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ एट्थ। देखो सेवेंथ, ओके सेवेंथ में दो पार्ट्स हैं, तो सेवेंथ करते हैं पहले, एट्थ का भी जगह बचेगा तो एट्थ भी कर लेंगे। पहले देखो सेवेंथ, इधर से ही शुरू कर लेते हैं। गिवन दैट ए एंड बी आर सच दैट पी ए 1/2 है, ये चीज गिवन में आ रही है, ए यूनियन बी 3/5 है, एंड पी बी भी दे दिया है, पी पी बी कितना है? स्मॉल पी। फाइंड पी इफ वन, फर्स्ट पार्ट ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होता है? अगर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में डिसजॉइंट होते हैं वो, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 5 होगा।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो जीरो अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम जीरो। तो याद रखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो होता है, क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट सेट होते हैं, उनका इंटरसेक्शन फाई होता है। तो पी की वैल्यू फाइंड करें इस कंडीशन को यूज करते हुए। देखो जो फॉर्मूला हम जानते हैं ए यूनियन बी का, क्लास 10th में 11th में पढ़ा होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी की वैल्यू 3/5, पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की वैल्यू पी और ये माइनस का जीरो। यहां से पी निकाल लोगे बहुत मजे में, 3/5 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 1/10। तो ये हो गया स्मॉल पी की वैल्यू फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट है ए एंड बी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये वाली कंडीशन होल्ड होगी, है ना। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें नहीं पता, ए इंटरसेक्शन बी जीरो मत ले लेना, वो फर्स्ट पार्ट का था, फर्स्ट पार्ट में जीरो था वो, अभी जीरो नहीं है, अभी हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी के फॉर्मूले में पुट करके, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो हर समय ट्रू है, ऑलवेज माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से हम ये चीज निकालेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ए यूनियन बी है 3/5, पी ए है 1/2, पी बी है स्मॉल पी और ये चीज अननोन है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता अभी। चलो तो ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा इसकी जगह पे देखो, इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, पी ए इंटू पी बी लिख रहा हूँ। उससे पहले 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी माइनस पी ए इंटू पी बी, यहां से इक्वेशन वन से, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन वन। अब यहां से देखो हर चीज की वैल्यू हमको पता है, 3/5 माइनस 1/2 पहले ये काम कर ले इसका, तो 6 माइनस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया p माइनस पी ए कितना है, पी ए है 1/2 और पी बी कितना है स्मॉल p, ओके। तो यहां से p कॉमन कर लो 1 माइनस 1/2, तो ये आ गया p अपॉन 2, 2 से ये काट लिया 5 टाइम्स, तो p की वैल्यू आ गई 1/5। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट और सेकंड पार्ट, सेवेंथ क्वेश्चन कंप्लीट। एट्थ देखो, देखो एट्थ क्वेश्चन में यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। देखो एट्थ क्वेश्चन में पी ए है 0.3, पी बी 0.4, हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के बारे में क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, ये हो गया 0.12। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट पी ए यूनियन बी, फॉर्मूला वही रहेगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा ए एंड बी इंडिपेंडेंट सारे पार्ट्स के लिए हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन का मेन है वो, मेन क्वेश्चन है वो, है ना। तो सारे पार्ट्स के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी, हर एक पार्ट के लिए। पी ए की वैल्यू 0.3, पी बी की वैल्यू 0.4 और ये हमने थोड़ी देर पहले निकाला है 0.12। तो ये हो गया 0.7 माइनस 0.12, 70 में से 12 निकल गया, तो 0.58, ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में पी ए जहां पे बी ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, तो क्या फॉर्मूला होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला 0.12 और पी बी क्वेश्चन में गिवन है 0.4, कितना होगा, ये डेसिमल हटाओ, 12 से ऊपर से हटाया तो नीचे मिला 100.3 और ये मिला 10, ओके। तो अब 4 से ये कट गया 3 टाइम, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 3/10, जिसको हम 0.3 लिख सकते हैं, मतलब यहां से सिंपलीफाई करके 3/10
ये हो गया 0.3, थर्ड पार्ट का आंसर 0.3। फोर्थ पार्ट पी बी अपॉन ए, तो ये क्या होगा, वही फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी, और कौन सा इवेंट हो चुका है, तो ए हो चुका है, डिवाइडेड बाई पी ए। 0.12 अपॉन पी ए कितना है, 0.3, इसको भी सॉल्व करें। हाँ 0.12 का मतलब क्या हो गया, 12 अपॉन 100, और ये हो गया 3 into 10, 3 से कैंसिल 4 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल, 4 by 10, मतलब कितना हो गया 0.4, करेक्ट। तो ये भी कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th 10th, देखो ओके एक बात पहले एक फॉर्मूला है छोटा सा जो इस क्वेश्चन में हमको यूज करना है, वो समझ लो अच्छे से। देखो क्या है वो फॉर्मूला, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो चार चीजें होंगी। नंबर वन, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। नंबर टू, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये होगा पी ए इंटू पी बी डैश। मतलब ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। थर्ड, ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो ये पी ए डैश इंटू पी बी, मतलब ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे। और फोर्थ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। किसी भी इवेंट की, इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 - p(a) करना पड़ता है। तो ये 5 फॉर्मूले इस चैप्टर में हर जगह लगेंगे, इस एक्सरसाइज में हर जगह लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पी ए डैश का मतलब क्या होता है, पी नॉट ए, पी नॉट ए मतलब वही पी, मतलब 1 - p(a), ओके। तो ये वही बात है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, नाइन्थ में ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए 1/4 है, पी बी 1/2 है, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8 है। टू इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट है कि नहीं वो नहीं पता, ओके। तो पहले चेक कर लेते हैं इंडिपेंडेंट है कि नहीं, चेक करो ओरली, एज पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, चेक कर लो, 1/4 × 1/2 × 1/8, सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसने बताया नहीं है, हमारा काम दो लाइन और बढ़ गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये। अब क्या पूछा है, नॉट ए मतलब ए डैश एंड बी डैश, ये पूछा इसने। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो फॉर्मूला होगा पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ये वाला फॉर्मूला, ठीक। अब देखो ए डैश में ये लगाओ तो पी ए डैश क्या होगा, 1 - p(a), और पी बी डैश क्या होगा, 1 - p(b), तो 1 - 1/4 × 1 - 1/2, 1 - 1/4 कितना होगा, 4 - 1 = 3/4, और 2 - 1 = 1/2, ये हो गया 3/8। 9th क्वेश्चन समझ आया? Yes sir. 10th, PA given, PB भी given, not A not B 1/4, देखो P not A मतलब A dash और OR और मतलब union, and मतलब क्या होता है intersection, not B ये दिया है 1/4, क्लास 11th में डे मॉर्गन्स लॉ पढ़ा होगा। Yes, law, दो लॉज थे बेसिकली, उनके तो और भी बहुत सारे लॉज हैं जो दो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं, वो क्या क्या होता है,
ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा रूल होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो देखो इस वाले को जरा चेक करो ये क्या लिखा है, ए डैश यूनियन बी डैश है, तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं डिमॉर्गन लॉ से, ए डैश यूनियन बी डैश मैच करो यहां पे मिल रहा है, तो इसका रिजल्ट हम ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब ए इंटरसेक्शन बी कोई इवेंट है उसका डैश है मतलब कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या होगा वन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके अब क्या क्या दिया है चेक करते हैं, हमारे पास ये वाली चीज पता है हमको 1/4 है, क्वेश्चन में गिवन है ये वाला 1/4, तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से हम निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, ये इसको इधर ट्रांसपोज करो 1/4 को इधर ले जाओ, तो 1 माइनस 1/4 हो गया 4 माइनस 1 3/4। ओके अब पी ए इंटरसेक्शन बी मिल चुका है, पी ए इंटू पी बी करके देखें क्या आता है, पी ए इंटू पी बी ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/12 कितना आ गया 7/48, चेक करो दोनों इक्वल नहीं है, एज पी ए इंटू पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नॉट इंडिपेंडेंट। तो फॉर्मूले इसमें लग गए बट क्वेश्चन सिंपल ही कहेंगे, कॉपी करो 10th, 11th and 12th, 13th सिंपल सिंपल है छोटे छोटे, तो 11th करते हैं, 11th में जो अभी फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ना चार पांच फॉर्मूले वही लग रहे हैं, तो मैं सारे पार्ट्स नहीं कराऊंगा बस फॉर्मूले बता देता हूं कर लोगे सिंपल है 11th और 12th। देखो 11th में वही चार फॉर्मूले यहां पे लगने हैं, चार पार्ट्स हैं और वही चार फॉर्मूले जो मैंने अभी लिखे थे, सबसे पहला तो ये श्योर होना चाहिए कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो कोई कोई मतलब इसमें है ही नहीं कुछ भी इस क्वेश्चन में, पी ए 0.3 पी बी 0.6 ए एंड बी इंडिपेंडेंट जो हमको चाहिए था, ए एंड बी इंडिपेंडेंट। अब पहला पार्ट में क्या निकालना है, पी ए एंड बी तो इंडिपेंडेंट है सिंपल, मैं बस फॉर्मूला लिख देता हूं, वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर लोगे, इन दोनों की वैल्यू डाल देना 0.3 इंटू 0.6 0.18 पहला पार्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट ए एंड नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट बी, तो ये क्या होगा पी ए इंटू पी बी डैश, तो इसको लिखेंगे पी ए इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी, क्योंकि बी पे डैश है तो 1 में से उसको माइनस कर लेंगे, इसमें वैल्यू पुट करना पी ए कितना होगा, पी ए है 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.6, ये सिंप्लीफाई कर लेना। ओके ये सिंप्लीफाई कर लेना। थर्ड पार्ट ए और बी, प्रोबेबिलिटी ए और बी, और मतलब यूनियन, तो ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन में है 0.3 0.6, ए इंटरसेक्शन बी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया, ये वाला यहां पे डाल देंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा, है ना कर लेंगे। फोर्थ पार्ट नेदर ए नॉर बी, तो ना तो ए ना तो बी, मतलब ए डैश और बी भी नहीं चाहिए इंटरसेक्शन बी डैश, क्या ये समझ में आया, फोर्थ पार्ट में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यही है ना। ये फोर्थ पार्ट समझ आया, यस सर। देखो इसको करने के दो, यस सर, इसको करने के दो मेथड्स, ए और बी दो मेथड्स को करने के, ए मेथड देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो पहले डिमॉर्गन्स लॉ लगा लो, ये क्या बनेगा ए यूनियन बी का डैश, डिमॉर्गन्स लॉ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, अब 1 माइनस पी ए यूनियन बी तुमने निकाल लिया यहां पे ऑलरेडी, चलो मैं दिखा देता हूं करके, इसका आंसर निकालना पड़ेगा ए, और ये हो रहा है 0.18, ये कितना हो रहा है
थ्री इंटू 0.4 0.12 ये कितना हो रहा है, ए और बी मिला के हो गया 0.9, इंटरसेक्शन निकाल लिया तो ये हो रहा है 0.90 में से 80 निकल गया, 18 निकल गया कितना हो गया 62। अब देखो ये हो गया 1 माइनस 0.62, ओके ए यूनियन बी 0.62 है, 0.72 तो ये हो गया 0.28, 0.72 है। इससे ए मेथड से 0.72 आ रहा है। बी में क्या करो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो इसको पी ए डैश इंटू पी बी डैश कर लो। पी ए डैश कितना होगा 1 माइनस पी ऑफ ए, और बी डैश कितना होगा 1 माइनस पी ऑफ बी, करो इसको तो 1 माइनस 0.3 कितना हो गया 0.7, और 1 माइनस 0.6 कितना हो गया 0.4, मल्टीप्लाई करो तो कैसे भी करोगे आंसर सेम रहेगा। 12th क्वेश्चन, डाई इज टॉस्ड थ्राइस, तीन बार टॉस करना है, सारे आउटकम तो नहीं लिख पाएंगे। डाई इज टॉस्ड थ्राइस, तीन बार टॉस कर रहे हैं तो 111, 112, 113 सो ऑन टिल 666, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस क्या हो गया 6 to the power 3, 216, सारे लिख पाना पॉसिबल नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, समझना इसको अच्छे से, ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, तीन केसेस बनेंगे। पहला केस, केस वन, ऑड नंबर एटलीस्ट वंस है तो क्या क्या हो सकता है, या तो एक बार ऑड आए सॉरी या तो एक बार ऑड आए, या दो बार ऑड आए, या तीनों बार ऑड आ जाए। एटलीस्ट वंस का मतलब यही होता है कि एक बार आए तो भी ठीक, दो बार आए तो भी ठीक, तीन बार आए तो भी ठीक। ओके, मैं घर पे जाऊं, मम्मी ने पूछा कितने रोटी खाओगे, मैं बोलूं एटलीस्ट कम से कम दो खाऊंगा, मम्मी परेशान, दो भी खा सकता हूं, तीन भी खा सकता हूं, चार भी, पांच भी, छह भी, कुछ बताया नहीं कितना खा सकता हूं मैक्सिमम। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक, अधिक से अधिक जितना अलाउड है सब। तो अब यहां पे ऑड नंबर एटलीस्ट वंस है, तीन केसेस बनेंगे। हाँ सर, तो मतलब आगे के जो ज्यादा वाले हो सकते हैं उनको काउंट करेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि तीन बार मैक्सिमम उसको टॉस कर रहे हैं तो तीनों ऑड आ सकता है। तो पहला केस में एक बार ऑड, दूसरे केस में दो ऑड, तीसरे केस में तीन ऑड, यही तीन केसेस बनेंगे। अब देखो केस वन, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन ऑड, गेटिंग एग्जैक्टली वन ऑड तो क्या क्या हो सकता है। तीन बार थ्रो कर रहे हैं, सिर्फ एक ऑड आना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि पहले बार में ऑड आ गया, दूसरे बार में इवन आ गया, और तीसरे बार में इवन आ गया, है ना। तो ये क्या है, एक्चुअली ऑड एंड इवन, एंड इवन है। मैं बोलता हूं एग्जैक्टली वन हेड, वन ऑड, एक ही बार ऑड आना चाहिए। तो अगर पहली बार ऑड आ गया और एग्जैक्टली वन हेड की, वन ऑड की बात हो रही है, एग्जैक्टली वन ऑड की बात हो रही है, और पहले बार में ही ऑड आ गया तो दूसरे बार में इवन आना पड़ेगा, तीसरे बार में इवन आना पड़ेगा, मतलब ये तीनों एक साथ होंगे तभी हम बोलेंगे एग्जैक्टली वन ऑड है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पहले बार इवन आया हो, दूसरे बार ऑड आया हो, और तीसरे बार इवन आया हो, क्योंकि एग्जैक्टली वन ऑड तो ऐसे भी हो सकता है दूसरे वाले पे ऑड आया हो। तो इसका मतलब क्या है, इवन आया हो एंड ऑड आया हो एंड इवन आया हो, और लास्ट केस ऐसा भी हो सकता है कि पहले दोनों पे इवन आया हो और लास्ट वाले पे ऑड आया हो, तीन बार थ्रो कर रहे हैं। तो ये हो गया इवन एंड इवन एंड ऑड, ठीक। अब क्या है, या तो पहला वाला केस हो जाए, पहला वाला मतलब या तो ये वाला हो जाए, या तो ये वाला हो जाए, या तो ये वाला हो जाए, इन तीनों में से कोई एक ही होगा ना, तीनों तो नहीं होंगे एक साथ। तीन बार थ्रो करेंगे तो या तो पहली बार में ऑड आएगा और दोनों बार में इवन, या फिर ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा, मतलब ये तीनों आपस में क्या है, और है, एंड और का चक्कर है बस।
अब देखो, एक डाई को अगर थ्रो करें, एक डाई को अगर थ्रो करें तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डाई को थ्रो करने पर सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, तो ऑड कितने होते हैं? 1 3 और 5, 3 होंगे फेवरेबल, टोटल होंगे 6, तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और इवन आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। ओके, अब जहां जहां एंड है वहां वहां मल्टीप्लीकेशन, जहां जहां और है वहां वहां प्लस। देखो इन सबको लिखते हैं, तो ऑड पहले इसकी बात करते हैं, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी? 1/2, एंड है तो इनटू इवन वाला 1/2, फिर 1/2, ये पहला हो गया। प्लस अब ये वाला और चल रहा है, इसकी वजह से प्लस हो गया। अब इस इवेंट को देखो, इवन है 1/2, फिर 1/2 इनटू 1/2, अब ये वाला और, तो प्लस। अब ये देखो इवन, तो 1/2 एंड मतलब इनटू 1/2 इनटू 1/2, तो कितना हो गया? 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, कितना हो गया? 3/8। तो पहला केस में रिजल्ट आया 3/8। किसकी? इसकी, किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन ऑड, ये हो गया 3/8। पहला केस हुआ, अभी फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस, सेकंड केस में गेटिंग टू ऑड्स, चेक करते हैं कैसे कैसे दो ऑड्स हो सकते हैं। तो पहला केस ये हो सकता है कि पहला ऑड आए, दूसरा ऑड आए एंड तीसरा इवन आ जाए। ऐसा भी हो सकता है पहला वाला ऑड आए, दूसरा वाला इवन आए और तीसरा वाला ऑड हो जाए। ऐसा भी हो सकता है पहला वाला इवन हो और लास्ट के दोनों ऑड हो जाए, तो हम बोल देंगे टू हेड्स आए हैं। ये भी और करके होंगे, चेक करो इसका क्या होगा। 1/2 × 1/2 × 1/2, ये प्लस नहीं है, ये एंड है, ये प्लस नहीं है, ये एंड है सारे। तो 1/2 1/2 1/2 1/8, ये हो गया। फिर नीचे वाला प्लस कर लिया 1/8 और ये भी 1/8, इसका भी कितना आ गया? 3/8। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू ऑड्स कितना हो गया? 3/8। देखो एटलीस्ट वन हेड में हमने एक बार ऑड का ले लिया, दो बार ऑड का ले लिया, अभी लास्ट बाकी है, तीनों ऑड्स आ जाए तब। तो अब देखो थर्ड केस, यहां पे थर्ड केस में प्रोबेबिलिटी तीनों हेड्स, तीनों ऑड्स की 3 ऑड्स। 3 ऑड्स एक ही तरीके से होगा, पहले पे भी ऑड, दूसरे पे भी ऑड, तीसरे पे भी ऑड। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी? 1/2 × 1/2 × 1/2, ये कितना हो गया? 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ऑड्स कितना आ गया? 1/8। अब एटलीस्ट वन ऑड, तो या तो केस वन हो जाए, या तो केस टू हो जाए, या तो केस थ्री हो जाए, तीनों हो जाए तो बोल देंगे कि हाँ एक ऑड तो आ गया एटलीस्ट। तो लास्ट की लाइन में ऊपर लिखता हूं प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑड, ये क्या क्या होगा? देखो एटलीस्ट वन ऑड में प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑड प्लस प्रोबेबिलिटी टू ऑड्स प्लस प्रोबेबिलिटी 3 ऑड्स, है ना? इन तीनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि या तो ये हो, या तो वो हो, या तो ये हो, तीनों में से कुछ भी आ जाए हम बोल देंगे एटलीस्ट वन ऑड तो आ गया। अब इन तीनों को ऐड करना है, 3/8, 3/8 और 1/8, कितना हो गया? 3, 3, 6 और 1, 7/8 इसका आंसर, 7/8। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, कॉपी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th एंड 14th, छोटे छोटे हैं। देखो 13th क्वेश्चन, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स विथ रिप्लेसमेंट। 10 ब्लैक है 8 रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड।
दो बॉल्स पिक करना है, 10 ब्लैक है, 10 ब्लैक है एंड 8 रेड बॉल्स है। ओके, इवेंट हमने मान लिया ई और एफ। ई का मतलब फर्स्ट बॉल जो हम पिक करेंगे, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, और एफ दूसरा इवेंट मान लिया, सेकंड बॉल जो पिक करेंगे वो भी रेड निकल जाए, सेकंड बॉल इज रेड। ऐसा हमने बहुत एग्जांपल किया है। अब हमें क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब पहला वाला भी रेड हो दूसरा वाला भी रेड हो, कहने का मतलब ई और एफ दोनों इवेंट कंप्लीट हो। तो हमको सोचना है ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं, विद रिप्लेसमेंट मतलब पहले वाले का इंपैक्ट दूसरे पे नहीं पड़ने वाला। तो ये पीई इंटरसेक्शन इनटू पीएफ। अब चलो, पहला बॉल अगर रेड बाहर आना है तो 8 रेड है और टोटल 18 है, दूसरा वाला भी रेड होना है तो अब 7 रेड बचे लेकिन 18 में से ही पिक होगा क्योंकि एक रिप्लेस कर दिया है। ओके, यस सर। 2 से कैंसिल 9 टाइम्स, 2 से कैंसिल 2 से, ओहो सर नीचे 9 ऊपर 4, 2 से 4 टाइम्स नीचे 9, फिर 2 से 2 और 2 से 9, तो ये हो गया 14/81। पहले पार्ट का आंसर 14/81। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। तो अगर हमने ई और एफ इवेंट अपना मान लिया है, उसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, ब्लैक और रेड के लिए हम उसका डैश यूज कर लेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट बॉल अगर ब्लैक होना है और हमने ई रेड मान लिया है, तो अब हमको क्या चाहिए, ई डैश चाहिए, रेड नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो ई डैश है वो। और पहला वाला ब्लैक चाहिए और दूसरा वाला रेड चाहिए, दूसरा वाला एफ ही रहने देते हैं क्योंकि एफ से हमने रेड डिफाइन किया था। अब ई और एफ अगर कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी क्या है वो, इंडिपेंडेंट है, तो पी ई डैश और पी एफ, वही फॉर्मूला है जो लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। पी ई डैश कितना होगा, 1 - PE इनटू पी एफ। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखोगे 1 - P of E कितना होगा, 8/18 है ना, पी ऑफ ई कितना होगा, 8/18 मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ एफ, एफ का कितना था, 7/18। समझ आ रहा है ये, यस सर। तो सॉल्व हो जाएगा 18 - 8, 10/18 इंटू 7/18, जो कटेगा फटेगा देख लेना, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, वन ऑफ देम, पहला वाला दूसरा वाला नहीं, वन ऑफ देम, कोई भी एक ब्लैक हो और दूसरा वाला रेड हो। देखो इसमें थोड़ा सा है ना फंसा दिया इसने, वन ऑफ देम बोल के थोड़ा सा फंसा दिया है। पहले में क्या था, पहले दोनों केसेस में कि पहला वाला ब्लैक हो श्योर था, दूसरा वाला रेड श्योर था। अब इसने बोला है दोनों में से एक ब्लैक हो और दूसरा जो बचा वो रेड हो जाए। तो अब इसको कैसे हम क्या बोलेंगे इसको, देखो पहला वाला मान लो ब्लैक हो जाए और दूसरा वाला रेड हो जाए, या तो ये हो जाए या फिर पहला वाला रेड और फिर दूसरा वाला ब्लैक हो जाए, ऐसा हो सकता है। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, मतलब एक बार ब्लैक और रेड आए या फिर रेड और ब्लैक आ जाए। तो ये एंड और यही हमको हेल्प करेगा। ब्लैक आए मतलब कौन सा इवेंट कंप्लीट हो, ई डैश, और रेड आए मतलब एफ, ये हो और मतलब प्लस, तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी, और का मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी रेड आए मतलब एफ इंटरसेक्शन ब्लैक, तो ई डैश। नहीं, रुको, क्या क्या लिख दिया ऐसा करते हैं पहले इवेंट को ही हम फिक्स करते हैं। देखो या तो पहला वाला ब्लैक आए और दूसरा वाला रेड आए, और अब पहला वाला रेड आए और दूसरा वाला ब्लैक आए, ऐसा हो सकता है। अब देखो पहला वाला जब ब्लैक आएगा, मतलब ई, पहला वाला मान लिया ई इवेंट है, तो ई डैश है ये, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, आर मतलब
रेड, तो ये एफ है, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस, अब रेड है पहला वाला, पहला वाला रेड है तो ये ई है, एंड बी, बी मतलब ब्लैक, एफ ब्लैक हो तो वो एफ डैश है, क्योंकि एफ और ई हमने क्या डिफाइन कर लिया है, स्टार्ट में ही देख लो हमने ई और एफ को ये डिफाइन कर लिया है। मैं इस वाली चीज को एक बार फिर से समझाता हूं, देखो क्या कह रहा है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, तो कैसे कंप्लीट होगा ये, पहला वाला ब्लैक हो जाए दूसरा वाला रेड हो जाए, या फिर पहला वाला रेड और दूसरा वाला ब्लैक हो जाए, तो हम बोल देंगे एक ब्लैक है एक रेड है। अब या तो ये वाला हो जाए या फिर ये वाला हो जाए, है ना। अब देखो पहला इवेंट ई है दूसरा इवेंट एफ है, दोनों ही केसेस में पहला इवेंट क्या है ई है दूसरा इवेंट एफ है, ये वाला ई है ये वाला एफ है। अब ई अगर ब्लैक हो, ई अगर ब्लैक हो मतलब ई डैश होना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि ई हमने रेड माना था, तो पहला वाला ब्लैक जो है वो ई डैश बन गया। दूसरा वाला रेड हो, एफ जो है वो रेड हो मतलब एफ को रेड ही बोला था तो वो एफ लिख दिया, और का मतलब प्लस, पहला वाला रेड हो, पहला वाला मतलब ई, ई इवेंट अगर रेड हो तो वो ई ही रहेगा, और ब्लैक जो है वो दूसरा वाला इवेंट है, दूसरा वाला इवेंट मतलब एफ, तो एफ अगर ब्लैक हो मतलब वो एफ डैश होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये क्या होगा, पी ई डैश इंटू पी एफ प्लस पी ई इंटू पी एफ डैश, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी ई डैश कितना होगा, पी ई डैश वन माइनस पी ऑफ ई इंटू पी एफ कितना होगा एज इट इज प्लस पी ई एज इट इज, और ये हो जाएगा वन माइनस पी ऑफ एफ। वैल्यू पुट करते हैं, वन माइनस पी ई तो एट बाई एटीन, और पी एफ कितना हो गया, पी एफ हो गया सेवन बाई एटीन, सही है। नहीं नहीं रुको रुको रुको, हाँ वन माइनस पी ऑफ ई रेड के आने की तो एट बाई एटीन इंटू पी ऑफ एफ, एफ कितना होगा, एफ भी रेड माना था तो सेवन बाई 18 प्लस पीई, पीई कितना है 8 बाई 18 इंटू पी ऑफ 1 माइनस पी ऑफ एफ, पी ऑफ एफ है 7 बाई 18 तो 1 माइनस 7 बाई 18, इसको सॉल्व करते हैं तो 18 माइनस 8 10 बाई 18 इंटू 7 बाई 18 प्लस 8 बाई 18 इंटू 18 माइनस 1 18 माइनस 7 11 बाई 18, ठीक है ना, 8 बाई 18 और ये 7 बाई 18, एक बार चेक कर लो। ओहो ये ब्लैक था ना, सही लिखा है हमने कि नहीं लिखा है, नहीं यार गलत हो रहा है, रुको सही से कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ई, ई इवेंट से रेड आए तो ये हो गया 8 बाई 18, पी ऑफ एफ, एफ वाला क्या हो, अब एफ वाला रेड होना चाहिए तो रेड का क्या होगा, रेड कितने बचे हैं, ये तो ब्लैक बाहर निकल गया ना, ई डैश में ब्लैक बाहर निकल गया तो रेड वाला तो पूरा पूरा बचा होगा, 8 बचा है 18 के साथ, समझोगे, देखो 1 माइनस पी ऑफ ई इसमें क्या निकल रहा है, ब्लैक बाहर निकल रहा है तो रेड वाला तो कम नहीं होगा ना, रेड वाला तो 8 ही रहेगा, प्लस पी ऑफ ई, पी ऑफ ई में क्या है रेड निकलना है तो 8 बाई 18 इंटू ये ब्लैक निकल रहा है तो ब्लैक वाला कम नहीं हो रहा है, ब्लैक वाला तो हम पहले में ई निकाल रहे हैं तो रेड बाहर निकाल रहे हैं तो ये कितना हो गया 1 माइनस पी ऑफ एफ, एफ का मतलब रेड, तो ये कितना हो गया 8 बाई 18। अब ये देखो 10 बाई 18 इंटू 8 बाई 18 प्लस 8 बाई 18 इंटू 10 बाई 18 दोनों सेम सेम आ गए, 2 इंटू 8 बाई 18 इंटू 10 बाई 18, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, तो 5 4 जा 20 इंटू 2 40 अपॉन 81, तो ये है आंसर हमारे थर्ड पार्ट का।
14th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर 1/2 and 1/3, इंडिपेंडेंटली है ये, p ऑफ ए 1/2 एंड p ऑफ बी 1/3। कोई प्रॉब्लम है, मान लो दो मेथड्स हैं ए एंड बी, ए से सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ए मेथड लगाएंगे तो सॉल्व हो ही जाएगा, 1/2 चांसेस हैं, 50%, और बी मेथड लगाएंगे तो कम चांस है, 33.3%, 1/3 प्रोबेबिलिटी है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। फर्स्ट पार्ट, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। देखो प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा, प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा, जब या तो ए सॉल्व कर ले और बी सॉल्व ना करे तो भी सॉल्व हो जाएगा, बी सॉल्व कर ले और ए सॉल्व ना करे तब भी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों कर ले तब भी हो जाएगा। तो तीन केसेस बन रहे हैं। पहला चांसेस, पहला जो प्रोबेबिलिटी है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए, ए से सॉल्व हो, एंड नॉट बाय बी, ए से सॉल्व हो और बी से ना हो, या तो ये हो जाए या फिर सॉल्व्ड, या ऐसे लिखें एक ए ने सॉल्व कर दिया बी ने नहीं किया तो सॉल्व हो जाएगा, नॉट बाई ए, ए सॉल्व ना करे एंड सॉल्व्ड बाई बी तो भी हो जाएगा, या फिर सॉल्व्ड बाई बोथ। यही तीन केसेस हैं जब हम बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वैसे दो बच्चे हैं, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं मुझे क्या चाहिए कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए बस। तो कैसे कैसे मुझे सॉल्यूशन मिल सकता है, पहला बच्चा सॉल्व कर ले दूसरा वाला ना करे तो भी मुझे मिल जाएगा, पहला वाला ना करे दूसरा वाला कर ले तो भी मिल जाएगा, और अगर दोनों कर ले तो भी मिल जाएगा, यही तीन केसेस बनेंगे। तो देखो ये कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में, ए सॉल्व कर ले तो प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व कर ले एंड बी सॉल्व ना करे, और का मतलब प्लस, फिर ए सॉल्व ना करे और बी सॉल्व कर ले, या फिर ए भी सॉल्व कर ले एंड बी भी सॉल्व कर ले। क्या बात समझ में आई? यस सर, यस सर। ओके, अब ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो इसका फॉर्मूला हमको पता ही है, पी ए इंटू पी बी डैश, पी ए डैश इंटू पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी। रखते हैं वैल्यूज, पी ए की वैल्यू है 1/2, पी बी डैश तो 1-1/3, पी ए है 1/2, ओहो सर पी ए डैश है, 1-1/2 लिखेंगे, ये डैश है तो 1-1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, पी ए 1/2 इंटू 1/3। करें सॉल्व तो ये हो गया 1/2 इंटू 3-1, 2/3 प्लस 1/2 × 1/3 प्लस 1/2 × 1/3 तो 1/6। इनको सॉल्व करना है, 2 से 2 कट गया तो ये 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा? देखो पहला वाला 1/3 है, उसको 2/6 कर लो तो 2 + 1 + 1 = 4/6, मतलब 2/3। पहले पार्ट का आंसर 2/3। सेकेंड पार्ट इधर कर लेते हैं, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये क्या होगा? अब मान लो मुझे ये चाहिए, दो बच्चों वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अब मुझे क्या चाहिए, किसी एक से सॉल्यूशन चाहिए, दोनों का सॉल्यूशन नहीं चाहिए बस। तो या तो पहला वाला सॉल्व कर ले, पहला वाला सॉल्व कर ले एंड दूसरा वाला सॉल्व ना करे, या फिर पहला वाला सॉल्व ना करे और दूसरा वाला कर दे, यही दोनों केसेस हैं जहां पे हम बोलेंगे सिर्फ एक बच्चे ने सॉल्व किया है। तो ये बन गया p ऑफ a इंटू p ऑफ b डैश प्लस p ऑफ a डैश इंटू p ऑफ b। वैल्यू पुट करो, p ऑफ a मतलब 1/2 इंटू 1-1/3 प्लस 1-1/2 इंटू 1/3 कितना आ रहा है? तो 1/2 इंटू 2/3 और 1-1/2 is 1/2 into 1/3।
कितना हो गया, टू से टू उड़ गया, वन बाई थ्री प्लस वन बाई सिक्स, वन बाई थ्री प्लस वन बाई सिक्स, ये हो गया टू बाई सिक्स और ये वन बाई सिक्स, तो थ्री बाई सिक्स हो गया, आंसर आ गया वन बाई टू। मतलब 50% चांस है, 50% होगा ही, दो बच्चे हैं तो या तो ये सॉल्व करेगा तो वो सॉल्व करेगा, दोनों के पास फेयर चांसेस है 50%। करो, कॉपी करो। नेक्स्ट है 15th। ओके, 15 में काफी पार्ट्स हैं। देखो 15 को देखो पहले। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। पहला केस देखो, फर्स्ट पार्ट, 52 कार्ड्स हैं, स्पेड्स, एस, ये सब पता होगा क्या क्या होते हैं, नहीं तो मैं बता देता हूँ। 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, पता है ये सब, स्पेड, एस क्या होते हैं, कितने कितने होते हैं पता है? यस सर, 26 रेड, 26 ब्लैक, फिर 13 13 सारे चार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 26 52 होते हैं ये वाले, रेड होते हैं 26, ब्लैक होते हैं 26, रेड में फिर दो होती है, एक हार्ट और डायमंड। बहुत बढ़िया, सब कार्ड्स बहुत खेले थे बचपन में। हाँ, दिवाली पे मत खेलना, पकड़ लेती है। स्पेड और क्लब, हाँ, और घर में चलते खेलना, स्पेड्स और क्लब्स, तो ये होता है पूरा। ठीक है, अब देखो, ई है ये वाला इवेंट, एफ है ये वाला इवेंट, वन कार्ड पिक करना है। ओके, ई जो हो वो स्पेड हो और एफ क्या हो, एस हो। देखो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, मतलब ये वाला फॉर्मूला हमको चेक करना पड़ेगा, ऊपर लिख देता हूं मैं, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। तो पहले पी ऑफ ई निकालें, फर्स्ट पार्ट के लिए पी ऑफ ई निकालते हैं। स्पेड तो एक, ये वाला 13 मेंबर्स है उसके अंदर, 13/52 क्योंकि मुझे पीएफ भी चाहिए, पीएफ भी चाहिए, सॉरी पीई भी चाहिए, पीएफ भी चाहिए और पीई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए, तो पीई आ गया। पी ऑफ एफ, एफ क्या बोल रहा है, एस हो, एस कितने होते हैं, 1 के 4 होते हैं, 1/3। अब पीई इंटरसेक्शन एफ मतलब स्पेड का 1 हो, स्पेड्स का 1 हो, तो स्पेड्स में 2 इक्के होंगे क्योंकि स्पेड्स में 26, सॉरी 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 नहीं सर, 1 होगा ना, एक ही होगा, स्पेड yes. में इक्का, मतलब स्पेड भी हो इक्का भी हो, तो एक ही होगा, 1/52। चेक करो, 1/4 इनटू 1/13 आ रहा है 1/52, व्हिच इज इक्वल टू पी ई इनटू पी एफ। यस सर, ई एंड एफ कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। स्पेलिंग इंडिपेंडेंट, ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में देखो, E जो है वो ब्लैक है, तो इस बार PE कितना होगा, 26/52, ब्लैक 26 होते हैं तो 1/2। P of F, F कितना होगा, F किंग है तो किंग 4/52, ये आ गया 1/13। E इंटरसेक्शन F 2/52, तो E इंटरसेक्शन F में ब्लैक भी हो और किंग भी हो, तो ब्लैक में दो ही किंग होते हैं, 2/1/26। देखो मल्टीप्लाई करके, विच इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। यस, कर लोगे ना, थर्ड पार्ट कर लोगे, ऐसी सिंपल है, लिख लो इतना, थर्ड कर लेना होमवर्क, कार्ड्स की थोड़ी नॉलेज थी। क्वेश्चन नंबर 16, ओके, तो 17-13 कर लेना, 16th मैं करवा देता हूँ, एमसीक्यू वैसे भी तुम्हें करना है। 17 देखो, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 16 सॉरी। इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 60% दिया है। देखो एच से मान लेते हैं हिंदी, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बच्चे हैं, और 40% इंग्लिश पढ़ते हैं, 20% बोथ हैं, ओके, तो प्रोबेबिलिटी हिंदी पढ़ने वालों का क्या होगा, 16, हिंदी पढ़ने वालों का 100 में 60 है ना, परसेंट का मतलब ये भी होता है,
सिक्स अपॉन टेन, 3/5, ओके। इंग्लिश पढ़ने वालों का क्या है प्रोबेबिलिटी? 40 है 100 में से, 40 अपॉन 100 0.4 यानी कि 2। और दोनों पढ़ने वाले हिंदी एच इंटरसेक्शन ई, दोनों पढ़ने वाले 20/100 1/5 0.2, अगर पॉइंट चाहिए होगा तो क्या पता। अब देखो फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, मतलब ना तो हिंदी ना तो इंग्लिश, क्या पढ़ती है फिर? अनपढ़ होगी, तो ना तो हिंदी एच डैश और ना ही इंग्लिश, समझ आ रहा है? ना तो हिंदी ना तो इंग्लिश। yes. तो देखो हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं वो सब नहीं पता, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? एच यूनियन ई का, ये होता है पी ऑफ एच प्लस पी ऑफ ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई, और ये जो निकालना है एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश, ये एक्चुअली में क्या है? एच यूनियन ई का डैश है, डिमॉर्गन्स लॉ से। तो पहले हम एच यूनियन ई निकालते हैं, फिर उसका डैश कर लेंगे। पी ऑफ एच 3/5, पी ऑफ ई 2/5 माइनस 1/5, तो 3 और 2 5/5, मतलब 1 माइनस 1/5 कितना हो गया? 5 माइनस 1 4/5। लेकिन ये क्या है? हिंदी या इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, ये हिंदी या इंग्लिश पढ़ने वाले, हमें क्या चाहिए? जो हिंदी भी ना पढ़े इंग्लिश भी ना पढ़े, मतलब इसका डैश है, तो ना तो हिंदी या ना तो इंग्लिश, तो 1 माइनस पी, ऐसे लिखें पी एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश इक्वल टू 1 माइनस पी, मतलब ऐसे लिखें इक्वल टू पी एच यूनियन ई डैश इक्वल टू 1 माइनस पी एच यूनियन ई, तो ये बन गया 1 माइनस 4/5 5 माइनस 4 1/5, ये हो गया आंसर। समझ आया फर्स्ट पार्ट? यस सर। सेकंड पार्ट, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। देखो हिंदी पढ़ रही है, अब इंग्लिश भी पढ़े इसकी क्या, किसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कंडीशनल है ये, तो हिंदी तो पढ़ रही है ऑलरेडी, अब इंग्लिश भी पढ़े, है ना, तो ये वाला बच्चा ये वाली बच्ची हिंदी पढ़ रही है, मतलब हिंदी वाला इवेंट हो चुका है, अब इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी चाहिए, कंडीशन है कि वो हिंदी पढ़ती है, तो ये क्या बनेगा? इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, और हिंदी का इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, हिंदी वो पढ़ती है ये श्योर है। ई इंटरसेक्शन एच है कितना? 1/5, और हिंदी का कितना है? 3/5, कितना हो गया? 1/3। थर्ड पार्ट, सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ती है, अब हिंदी का बताओ, तो हिंदी का बताना है, इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ती है वो, प्रोबेबिलिटी एच इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि हिंदी वो पढ़ती है श्योर है ये, तो ये हो गया 1/5, और इस बार इंग्लिश पढ़ती है तो 2/5, कितना हो गया? 1/2। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एक्सरसाइज, कौन सा? 13.2। अगली क्लास पे हम बेस थ्योरम करेंगे, 13.3 का इंट्रोडक्शन, और फिर उसके नेक्स्ट क्लास पे 13.3 एक्सरसाइज करेंगे, तो दो लेक्चर इसमें और लगेगा, ये कॉपी कर लो।